तो जी ये मैं थाई का वीज़ा लेने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने आज का टाइम दिया हुआ था, तो ये सारा जंगल सा है, जंगल के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है ट्रेन का। तो ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, तकरीबन ट्रेन आएगी, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है तो उसके मुताबिक ट्रेन एक दो मिनट में आएगी। तो दो मिनट का वेट कर रहा हूँ, जैसे दो मिनट कम्प्लीट होते हैं ट्रेन आती है तो ट्रेन में बैठते हैं, तो फिर थाईलैंड की एम्बेसी जाते हैं, देखते हैं क्या प्रोसेस है, क्या बनता है हमारे वीज़े का। तो दुआ गो हूँ। तो जी ये है थाईलैंड की एम्बेसी, इसके बाहर मैं खड़ा हूँ। तो टाइम तो अभी हुआ नहीं है, 1:03 हुए हैं। तो उन्होंने मुझे जो टाइम दिया था वो था 2:30 के बाद। तो 2:30 के बाद मैं जब भी आ सकता हूँ, यहाँ 12 बजे से पहले, 12:30 बजे से पहले। तो मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, जैसे टाइम कम्प्लीट होता था मैं जाके ना दोबारा एम्बेसी जाऊँगा, तो जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करूँगा। तो जी मैं आया हुआ था वीज़ा कलेक्शन के लिए, तो ये मेरा पासपोर्ट है और ये वीज़ा मेरा दे दिया उन्होंने, साथ ही ये रसीद दी हुई है और ये वीज़ा है, और ये मिला हुआ है मेरा है जी, ये 3 माह का वीज़ा है। 3 माह के अंदर अंदर मैं कभी भी ट्रैवल कर सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री नहीं है, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है। तो 3 माह के अंदर कभी भी मैं इसके अंदर थाईलैंड के अंदर जा सकता हूँ। तो ये प्रोसेस था, छोटा सा प्रोसेस है, 24 घंटे से ज़्यादा जल्दी ये वीज़ा मिल जाता है, और 160 रिंगिट 160 रिंगिट वो मलेशियन उसकी सिर्फ फीस है, और बड़ा इजी प्रोसेस है। तो आपको मैंने बता दिया हुआ है, आप भी जाएं अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाएं।